हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई जी के ऊपर कोलाज। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो सबसे पहले मैं कंपास की हेल्प से सर्कल शेप बना लूँगी, उसके बाद मैं उसको कट कर लूँगी और उसके बाद मैं उसके ऊपर ड्राइंग्स बना लूँगी। ड्राइंग्स यहाँ पे मैंने पहले ही बना ली थी और मैं आपको अब दिखाऊँगी इसकी आउटलाइन, मैं आउटलाइन कैसे कर रही हूँ इसकी। तो ये लक्ष्मीबाई जी की पूरी बायोग्राफी है कि कब वो पैदा हुई थी, कब उनकी शादी हुई थी, कब उनका बेबी हुआ था, उसके बाद कब ब्रिटिशर्स ने अटैक करा झांसी पर और उन्होंने कैसे कैसे बचाने की कोशिश करी झांसी को, और उसके बाद किस तरीके से उनकी डेथ हुई थी। सो गाइस, आई होप इतनी मेहनत से बनाया हुआ कोलाज आप लोगों को पसंद आएगा और आप लाइक्स में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके पास भी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है जो आप मेरे से बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम आपके लिए बनाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आउटलाइन कर लूँगी सारी ड्राइंग्स के अंदर और ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे ये कोलाज बनाया है। और पूरी ड्राइंग्स हो जाने के बाद मैं उसके अंदर कलर करूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर पॉइंट्स भी ऐड करूँगी कि आप लोगों को स्टोरी भी समझ में आए, कोलाज मैंने जिस वे से बनाया वो आपको समझ में आए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ पे ड्राइंग्स के अंदर हो चुकी है आउटलाइन कंप्लीट, अब हम करेंगे ड्राइंग्स के अंदर कलर। तो यहाँ पे लक्ष्मीबाई जी बॉर्न हुई हैं, तो उसके अंदर मैंने ब्लू सुंदर सा कलर करा है और इनके फेस पे मैंने कलर करा है। उसके बाद 4 इयर्स में उनकी मदर की डेथ हो गई थी, तो ये वाला सीन मैंने क्रिएट करा है। और जिस तरीके से मैं इन पिक्चर्स के अंदर कलर्स कर रही हूँ, आगे भी मैं इसी तरीके से कलर्स कर लूँगी। कुछ पिक्चर्स को मैंने हाइलाइटर्स की मदद से कलर करा है, कुछ नॉर्मल क्रॉन्स की मदद से मैंने कलर्स करे हैं। तो आगे वीडियो में बने रहें और देखते रहें एंड तक वीडियो कि किस तरीके से मैंने कलर करा है वीडियो में। उसके बाद उनका जो इंटरेस्ट था वो था शूटिंग के अंदर और इसी प्रकार के और भी एक्टिविटीज़ के अंदर जब वो छोटे थे। उसके बाद जब वो 14 साल के हुए तो उनकी शादी हो गई गंगाधर राव से 1842 में और वो लक्ष्मी बाई जी बन गए। मनी कर्णिका तांबे की जगह वो बन चुके हैं आप रानी लक्ष्मी बाई जी। तो ये गंगाधर राव और रानी लक्ष्मी बाई जी की मैरिज हो रही है, तो ये सीन मैंने छोटा सा क्रिएट करा है। होपफुली आपको पसंद आ रही हो अब तक की वीडियो। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट सीन की तरफ। 1851 में उनका एक बेबी हुआ, बट ये खुशी ज़्यादा टाइम तक चली नहीं क्योंकि वो जो बेबी था वो 4 महीने तक ही ज़िंदा रहा, उसके बाद वो मर गया क्योंकि उस बेबी की हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं थी। उसके बाद जो गंगाधर राव जी थे वो डिप्रेशन में चले गए, तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने सोचा क्यों ना हम एक बेबी को अडॉप्ट कर लें। तो 1853 में गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई जी ने एक सन को अडॉप्ट करा ब्रिटिश ऑफिसर की देखरेख में, पर ये जो खुशी थी ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं रुकी। उसके बाद गंगाधर राव जी की डेथ हो गई कुछ ही दिनों के बाद और रानी लक्ष्मीबाई जी ने उसके बाद डिसाइड करा कि मैं अब झांसी को रूल करूँगी। उसके बाद जो लक्ष्मीबाई जी थी वो बन गई महारानी लक्ष्मीबाई जी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे झांसी को अपने अंडर लेने की कोशिश करी। ऑन 25 मार्च को उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अटैक करा झांसी के ऊपर, तो उससे रिलेटेड मैंने ये सीन क्रिएट करा है जब ब्रिटिशर्स ने अटैक करना स्टार्ट करा इंडिया पे, इंडिया की झांसी पे। और इसी दौरान वो काफ़ी और भी ज़्यादा स्टेट्स को अपने अंडर ले रहे थे। इसी दौरान वो दिल्ली को भी अपने अंडर ले चुके थे और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, पर रानी लक्ष्मीबाई ने डिसाइड कर लिया था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और उन्होंने लड़ाई करने की सोची। एंड शी ऑल्सो फॉट लाइक अ टाइगरस। और एक दिन लड़ाई करते करते एक इंग्लिश हॉर्समैन ने उनके
सिर पे बहुत ही गहरी चोट मार दी और इस वजह से वो इंजर्ड हो चुके थे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। पर वो लास्ट में बोलते हुए गए कि ये लड़ाई को कंटिन्यू रखना, हमें अपना इंडिया नहीं देना इन ब्रिटिशर्स के हाथ में। और 18 जून 1858 को जब वो 29 ईयर्स के थे तो वो उनकी डेथ हो गई, और जो उनकी डेथ हुई थी वो हुई ग्वालियर में। तो इसी को हम प्रेजेंट करेंगे कोलाज फॉर्म में। तो कोलाज के लिए पहले मैंने यहाँ पे बड़ी रेड कलर की शीट ले ली है, उसके ऊपर मैंने वाइट कलर की शीट ले ली है, उसके ऊपर मैंने लिख दिया है ब्लू पेन से लाइफ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, और उसके बाद मैंने उनका बर्थ प्लेस लिखा है, उनका ईयर लिखा है कि वो कब पैदा हुए थे। वो पैदा हुए थे 19 नवंबर 1828 को। उनके फादर का नेम लिखा है, उनकी मदर का नेम और उनका ओरिजिनल नेम लिखा है। उसके बाद मैंने सारे सीन जो क्रिएट करे थे उसके आसपास लगा लिए हैं वाइट शीट के आसपास। तो फेविकॉल की हेल्प से हो चुकी है पेस्टिंग डन। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। जब हमारे सारे सीन पेस्ट हो जाएंगे उसके बाद हम एक एक करके सारी लाइंस लगा लेंगे। दैट रानी लक्ष्मीबाई बॉर्न ऑन 19 नवंबर 1828, शी लॉस्ट हर मदर एट एज ऑफ 4, शी इज़ इंटरेस्टेड इन राइडिंग शूटिंग एंड फेंसिंग। एट एज ऑफ 14 शी मैरिड टू गंगाधर राव 1848 एंड शी बिकम लक्ष्मीबाई। इन ईयर 1851 शी गेव बर्थ टू अ सन बट ही डाइड अबाउट 4 month ओल्ड। इन 1853 गंगाधर राव एंड लक्ष्मीबाई अडॉप्टेड अ सन नेम्ड दामोदर राव इन विटनेस ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर। महाराजा गंगाधर राव डाइड द फॉलोइंग डेज। आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा लक्ष्मीबाई रूल्ड द किंगडम। On 25th March 1858, the Britishers started attacking झांसी। रानी लक्ष्मीबाई fought like tigress and said, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। She continued fighting, but one English horseman stuck on the head and the brave Lakshmibai passed away on 18 June 1858 and she was just 29 years old. And this is the biography of Lakshmibai. I hope you like this video. Don't forget to like this video and subscribe my channel. All the points will be given in the description box. If you have any suggestion or request, you can comment in the comment box and I will do it for you guys. See you in next video. Till then, bye bye. Don't forget to subscribe and like my channel.